hello everyone now we will talk about the third part of the skeletal and nervous system this part is all about sense organs we have five sense organs eyes ears nose tongue and skin eyes first of all we will talk about eyes eyes, uh, eyes are very important sense organ the different पार्ट्स ऑफ आइज़ आर हमारी जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जैसा कि आपको पता ही है इसके आइज़ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट इज़ आईलेट आई आपको अच्छे से पता है क्या होती हैं इट कवर्स आवर आइज़ वैन वी आर स्लीप और ब्लिंक आवर आइज़ आईलेट क्या यूज़ में आती है जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी आइज़ को कवर करने के लिए ताकि कोई शार्प ऑब्जेक्ट या कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट हमारी आइज़ में न जाए और ब्लिंक करने के लिए सेकेंड इज आई लैशेज दे प्रोटेक्ट आर आइज फ्रॉम दर्ट जो आई लैशेज होती हैं हमारी वो किस में हेल्प करती हैं uh, हमारी आइज को डर्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट इज प्यूपल इट इज़ द ब्लैक सर्किल दैट लेट्स लाइट इंटू द आई जो ब्लैक सर्कल होता है हमारे आइस के अंदर वो क्या करता है लाइट को अंदर आने में हेल्प करता है नेक्स्ट इज आयरस इट इज़ द कलर्ड पार्ट अराउंड द प्यूपल जो हमारे अंदर का जो हमारी आईस के अंदर का ब्लैक सर्कल होता है उसके चारों तरफ जो कलर पार्ट होता है उसे कहते हैं हम प्यूपिल मींस आयरिस सॉरी द कलर पार्ट अराउंड द प्यूपिल प्यूपिल के चारों तरफ जो कलर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आयरिस नेक्स्ट कॉर्निया इट इज द सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट्स द प्यूपिल एंड आयरिस जो हमारी आईज का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो हमारी प्यूपिल uh, uh, और आइरिस को प्रोटेक्ट करता है इसे हम कहते हैं कॉर्निया। बैक ऑफ द आई वेर इमेज फॉर्म यू कैन सी वेयर रेटीना इज ये हमारी आईज का बैक होता है जिसपे जो भी हम देखते हैं वो शो होती है ऑप्टिक नर्व इट इज अ नर्व दैट कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन

नेक्स्ट इज़ कि हम इन आइज़ की केयर किस तरीके से कर सकते हैं आइज़ आर वेरी डेलीकेट वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आर आइज़ आइज़ हमारी बहुत ज़्यादा डेलीकेट होती हैं और उनकी प्रॉपर प्रॉपर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वॉश योर आइज़ बाय स्प्लैशिंग वाटर ऑन देम। हमारी आइज़ को हमेशा हमें पानी से स्प्लैश करके धोना चाहिए मेक श्योर दैट वेन यू आर रीडिंग जब भी आप पढ़ो तो बिल्कुल प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए डू नॉट रीड इन डिम लाइट कभी भी डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए मेन्टेन अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आइज एंड द बुक हमेशा बुक और आइज के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए बिल्कुल आंखों को बुक में घुसा कर कभी नहीं पढ़ना चाहिए ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सिट इन राइट पॉस्चर वाइल रीडिंग एंड राइटिंग हमेशा सही पॉस्चर में बैठना चाहिए सीधे बैठना चाहिए कभी भी झुक के या बिल्कुल बुक में घुस के नहीं बैठना चाहिए लिखने के लिए या पढ़ने के लिए डो नॉट वॉच टू मच ऑफ टेलीविजन बट वट एवर वेन एवर यू वॉच कीप अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट फ्रॉम द टेलीविजन हमें ज़्यादा टेलीविजन नहीं देखना चाहिए पर जब भी हम टेलीविजन देखें तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे और टेलीविजन के बीच में कम से कम सिक्स फीट्स का अंतर हो टू मच ऑफ प्लेइंग फॉर योर आइज बहुत ज्यादा कंप्यूटर गेम्स खेलना भी आपके आइज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है मेक श्योर नेवर टू यूज समल्स टावल इफ ही हैज आइज इन्फेक्शन अगर किसी को आई का इन्फेक्शन है तो कभी भी उसका टॉवल यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नेक्स्ट इज ears. Ears हेल्प us टू hear द sounds अराउंड us एंड also maintain our बैलेंस Ears किस लिए हेल्प करते हैं Ears हमारे आस पास जितनी भी आवाज़ें होती हैं sounds होती हैं उनको सुनने में मदद करते हैं और हमारा बैलेंस बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ओके टेक केयर ऑफ द ears. हम किस तरीके से अपने ears की केयर कर सकते हैं डू नॉट पिक शार्प ऑब्जेक्ट्स इन योर ईयर्स इट माई डैमेज द ईयर्स हमें कभी भी किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को कान के अंदर नहीं घुसाना चाहिए कभी कान साफ करने के लिए चिमटी कीचेन uh, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए इससे हमारे कान को डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स यूज़ अ ड्राई टावल टू क्लीन देम हमें कभी भी पानी को कान के अंदर नहीं जाने देना चाहिए और हमेशा ड्राई टॉवल यूज करना चाहिए उन्हें पोंछने के लिए ओके दिस इज ऑल अबाउट ईयर्स नाउ नोज नोज इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अवर फेस वी ब्रीद एंड स्मेल थ्रू नोज हम क्या बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट है हमारे फेस का नोज हम नाक से सांस लेते हैं और चीजों को स्मेल करते हैं देयर आर टाइनी हेयर इनसाइड द नोज विच प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग आवर नोज हमारी नोज़ के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं हेयर होते हैं जो हम आसपास की जितनी भी गंदगी है उसे नाक के अंदर जाने से रोकते हैं केयर ऑफ द नोज हम अब नोज़ की केयर किस तरीके से कर सकते हैं ब्लो योर नोज टू कीप इट क्लीन हमेशा नोज को ब्लो करके रखना चाहिए मतलब नाक को साफ करके रखना चाहिए ताकि नाक हमारी क्लीन रहे डो नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर नोज जैसे कान में था वैसे ही नाक में है कि कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट को नाक के अंदर नहीं देना चाहिए डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे नाक हमारी बिल्कुल फॉर्म में अच्छे से रहे दिस ऑल अबाउट नाउ टंग द टंग इनेबल अस टू टेस्ट द फूड एंड हेल्प अस टू स्पीक टंग क्या हेल्प करती है एक तो टेस्ट करने के लिए फूड को और बोलने के लिए देयर आर टाइनी सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑन द टंग टंगल्ड टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग के ऊपर छोटे छोटे सेंसरी uh, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट टेस्ट जो टेस्ट uh, किस में हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके के टेस्ट को पहचानने में लाइक स्वीट सॉर सॉल्टी एंड बिटर केयर ऑफ द टंग अब हम अपनी टंग की केयर किस तरीके से कर सकते हैं क्लीन योर टंग विद टंग क्लीनर वेन यू ब्रश योर टीथ हमें अपनी टंग को हमेशा क्लीन रखना चाहिए ब्रश करते हुए टंग क्लीनर की मदद से अब स्किन आउटर मोस्ट कवरिंग एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी इज स्किन हमारी बॉडी के ऊपर की कवरिंग और सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है स्किन देर आर टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन हमारी पूरी स्किन पे बहुत छोटे छोटे पोर्स मतलब पोर्स का मतलब यहाँ पे है बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते बट ये किस चीज में हेल्प करते हैं विच हेल्प द बॉडी वेस्ट टू कम आउट एज स्वेट हमारी बॉडी पे पसीना आता है तो जो पसीना होता है वो होता है वेस्ट तो स्किन हमारी किस चीज में हेल्प करती है जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्किन में वो गंदगी को किस तरह से बाहर निकलता है स्वेट के रूप में द स्किन प्रोटेक्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स इट हेल्प अस टू फील हीट कोल्ड एंड पेन स्किन क्या करता है हमारे जो अंदर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करता है अगर स्किन नहीं होगी तो हमारे ऑर्गन्स को कुछ भी हो सकता है इट अस टू फील द हीट कोल्ड एंड पेन ये हमारी बॉडी में गर्मी ठंड और दर्द को महसूस करने में मदद करती है केयर ऑफ द स्किन अब हम स्किन की किस तरह से केयर कर सकते हैं टेक अ बाथ रेगुलरली विथ सोप एंड क्लीन वाटर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द बॉडी हमेशा हमें रोज़ बाथ लेनी चाहिए सोप और बिल्कुल साफ पानी से ताकि डर्ट हमारी बॉडी से हट जाए वी क्लीन क्लोथ्स हमें कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए वी आर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर्स एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए विंटर में ताकि हमें ज्यादा ठंड ना लगे और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए समर्स में ताकि हमें ज्यादा गर्मी ना लगे ओके इट वॉज ऑल अबाउट अवर सेंस ऑर्गन्स यूज एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ देयर इज अ कट स्क्रैच ऑन द स्किन स्किन हमें एंटीसेप्टिक क्रीम्स का यूज करना चाहिए अगर वहां पे कट या स्क्रैच हो अब हमारी समरी की हमने इन तीन पार्ट्स में इस चैप्टर में क्या पढ़ा द बोन्स ऑफ आर बॉडी फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ आर बॉडी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है जो बॉडी की बोन्स होती हैं द स्कल रिब्स बैक बोन एंड द लिम्स कॉन्स्टिट्यूट द स्केलेटल सिस्टम जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो किस चीज़ से बनता है स्कल रिब्स बैकबोन और लिम्स से लिम्स क्या आते हैं हमारे हाथ पैर द स्कल प्रोटेक्ट्स आर ब्रेन एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट्स आर स्पाइनल कोड स्कल क्या करता है हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और बैकबोन हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है देर आर टू जीरो सिक्स बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है टू जीरो सिक्स अंट इज अ प्लेस वेर टू बोन्स मीट एक जॉइंट वो जगह है जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं जॉइंट हेल्प आर लिम्स इन लोकोमोशन एंड डूइंग सेवरल वर्क जॉइंट्स किस लिए हेल्प करते हैं हमें काम करने में हेल्प करते हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आर बॉडी हमारी बॉडी में चार तरह के जॉइंट्स होते हैं हिंड जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फेवड जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट मसल्स होल्ड द बोन्स टुगेदर एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल जो हमारी मसल्स होती हैं वो बोन्स को एक साथ बनाए रखती हैं और हमारी बॉडी के किसी भी मूवमेंट में हेल्प करती हैं देर आर थ्री टाइप ऑफ मसल्स वॉलेंटेरी मसल्स इन वॉलेंटेरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स मसल्स थ्री टाइप्स की होती हैं वॉलटेरी जो हम यूज कर सकते हैं अपने आप इनवॉलेंटेरी जो हम हमारे कंट्रोल में नहीं होती है एंड कार्डियक मसल जो हार्ट की मसल होती हैं वो होती है हमारी कार्डियक मसल्स द ब्रेन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस फ्रॉम द नर्वस फॉर्म द नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हमारे नर्वस सिस्टम बनाते हैं सेरिबरम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरीबरम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द बॉडी विद द ब्रेन थ्रू द नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बॉडी को ब्रेन से ब्रेन uh, और नर्व्स को एक साथ कनेक्ट करती है देर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं आइज ईयर्स नोस टंग एंड स्किन द स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आर बॉडी जो स्किन होती है वो हमारी पूरी बॉडी का कवर होती है वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ हर सेंस ऑर्गन हमारे हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की बिल्कुल अच्छे से देखभाल और प्रॉपर केयर करनी होती है क्योंकि इसके बिना आपको अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि इसके बिना हमारा काम कितनी मुश्किल से चल पाएगा थैंक यू ऑल टू लिसन टू दिस वीडियो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल्टन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम थैंक यू फॉर वॉचिंग